माता अपनी संतानों की सहायता कीजिए। आपकी सभी संतान घोर कष्ट में है। इनके कष्ट का कारण लोभ है ऋषि, और लोभ हर समस्या की जननी होती है, अधर्म का मूल होता है। माँ, माना ये सब अज्ञानी है, किंतु इनके घातक विकारों से निकलने का मार्ग बताइए। माँ, ईश्वर की उपासना और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति को सुख और शांति दोनों से परिपूर्ण कर देता है, और जब जीवन में सुख और शांति आती है तब लोभ का स्वतः अंत हो जाता है। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में आप और कुछ नहीं रख सकते, उसी प्रकार भक्ति और धर्म से भरे हुए हृदय में भी लोभ का समावेश लेश भाव में भी नहीं हो सकता। संसार में अधर्म बढ़ जाएगा और लोग अत्याचारी हो जाएंगे। लोगों के अंतर की स्नेह सरिता सूख जाएगी, चारों दुराचार पापाचार होगा। ये कैसी भूल करने जा रहे हैं महिषासुर? जागते हुए दिवा स्वप्न कभी पूरे नहीं होते दानवराज। देवर्षि, महिषासुर हूँ मैं, और महिषासुर भली भांति जानता है स्वप्न को सत्य की धरातल पर कैसे उतारा जाए। मेरे लिए कोई भी स्वप्न ऐसा नहीं है जिसे मैं सत्य में परिवर्तित ना कर सकूं। हाँ हाँ, हो सकता है कि आपकी बात सत्य हो, किंतु अभी जो आप स्वप्न देख रहे हैं वो किसी भी स्थिति में पूर्ण होने वाला नहीं है दैत्यराज, बल्कि उल्टे आपका असुर साम्राज्य समाप्ति की कगार पर है। इस लोभासुर को आपने लोगों के बीच भेजा था, वहाँ तो देवी के प्रताप से सुख और शांति स्थापित हो रही है और लोभ का प्रभाव समाप्त हो रहा है दानवराज। असंभव है ये, असंभव है ये देवर्षि, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है, ये आपके लिए अत्यंत दुख की बात है। कहीं एक माता का परम भक्त है जो उनकी भक्ति को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह युगो युगों तक बढ़ाएगा। कौन है वो भक्त देवर्षि? जिस भक्त की भक्ति लोभ को समाप्त करेगी, मैं उस भक्त को समाप्त कर दूंगा। इस धरा पर उस भक्त को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये महाबली महिषासुर का प्रण है। नारायण नारायण। अपने आप को रोकिए, मैं बताता हूँ वो कौन है और कहाँ है। नारद आया था, वो कह रहा था तुम्हारा प्रभाव समाप्त हो रहा है। कैसे समाप्त हो सकता है लोभ का प्रभाव? कैसे? भक्ति, भक्ति के कारण। वो भक्ति हमें मार रही है। भक्ति कौन है? तुमको मार रही है। तुमने भक्ति को क्यों नहीं मारा? दानवराज, मैंने सबको अपने वश में कर लिया था, किंतु एक ही व्यक्ति हमारे वश में नहीं आ पा रहा था। लोग और जो कोई भी है, उसे छल से या बल से भक्ति के मार्ग से अलग करो, नहीं तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। मुझे मेरे साम्राज्य में भक्त, भक्ति, पूजा पाठ, व्रत उपवास, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ओर से सारे प्रयास करूंगा उसे भटकाने का, उसकी आस्था को नष्ट करने का। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है लोग,